हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के बीच। देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स वन आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसका एक वीवीआई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है कि विकास की अवस्था का वर्णन करें, यानी कौन कौन सा विकास की अवस्था होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। समझे, बहुत वीवीआई टॉपिक है। इससे पहले हम वृद्धि विकास क्या होता है, वृद्धि विकास के सिद्धांत डाल दिए थे, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक डाल दिए थे, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है ये सब डाल दिए थे। आज हम देखेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है। जैसे आप पढ़े होंगे शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौधा, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, आपके एग्जाम में आता ही आता है। समझे, तो आज हम देखेंगे विकास की अवस्था। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर है कि नहीं, नोट्स लेना चाहिए। कोई भी आदमी को लेना है तो आप 9576024001 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स दे दिया जाएगा। समझे, बहुत कम रुपया पेमेंट है, सभी पेपर का मिल जाएगा, सातों पेपर का। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो सर्च कीजिएगा बीएड क्लास बाय आनंद, उसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। समझे, चलिए हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन आपका है कि विकास की अवस्था का वर्णन करें। अब देखिए, अवस्था का मतलब क्या होता है, समझे, उसको समझेंगे। कौन कौन सा अवस्था होता है ये समझेंगे। समझे, आप जानते होंगे कोई अवस्था में तेज़ी से विकास होता है, कोई अवस्था में धीरे विकास होता है। जैसे आप जानते होंगे शैशवावस्था में तेज़ी से विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में विकास स्पीड से होने लगता है। तो जब तक शिक्षक को ये अवस्था के बारे में पता नहीं होगा तो बच्चा को आप कैसे समझिएगा। इसीलिए बीएड में आपको ये सब चीज़ें दिया गया कि कौन सा विशेषता कौन सा अवस्था में पाया जाता है। उसी तो ये देखते हैं, प्रस्तावना में लिखा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, जिसमें विकास के विभिन्न अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली चल रहा है ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी बालक के रुचि आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाना है। तो जब बालक के जब तक आप अवस्था को नहीं जानिएगा, शैशवावस्था कितना से कितना होता है, इसमें कौन कौन सा गुण होता है, कौन कौन सा विशेषता होता है, बाल्यावस्था में कौन गुण होता है, किशोरावस्था में कौन, तब तक आप बच्चा को नहीं समझिएगा तो बाल केंद्रित शिक्षा कैसे अपनाइएगा। समझे, तो वही लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें विकास के विभिन्न अवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं कि विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं का लागने की एक प्रक्रिया है। यानी विकास क्या होता है कि भिन्न भिन्न, यानी जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था है, उसमें लागने की प्रक्रिया है। हम ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न आयु में बच्चे में विशिष्ट प्रकार के विकास होते हैं। कोई बच्चा में देखिए, कोई बच्चा 12 महीना में चलने लगता है, कोई 8 महीना में चलने लगता है, कोई 10 महीना में चलने लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना विशिष्ट विकास होता है। समझे, कोई 1.5 साल में भी नहीं चल पाता है। तो ये सब क्या है कि विकास पर डिपेंड करता है। वही लिखा है कि हम ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न आयु में बच्चों में विशिष्ट प्रकार के विकास होते हैं। यही कारण है कि एक विशेष विशेष अवस्था में होने वाले विकास दूसरे अवस्था से विकास से भिन्न होता है। यानी जो शैशवावस्था का जो विकास होगा वो बाल्यावस्था से भिन्न होगा, बाल्यावस्था का जो विकास होगा वो किशोरावस्था से भिन्न होगा। समझे, यानी सबका अपना अपना एक विशिष्ट विशेषता होता है हर अवस्था का। समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा में हम आयु के आधार पर कोई भी अवस्था का निर्धारण नहीं करते हैं, उसमें पाए जाने वाले विशेषता या गुण के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अवस्था का जो निर्धारण होता है ना, आप आयु के आधार पर नहीं कर सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले गुण या विशेषता का। जैसे मानते हैं, हम बोलते हैं ना कि 16 अवस्था में आने के बाद आप में क्या होता है कि संवेग प्रबल हो जाता है, आप में कल्पनाशीलता आ जाता है, दिवासोपन आ जाता है। समझे, आप उसके बाद आप अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। समझे, विषमलिंगीय अनुभव होने लगता है। तो ये सब क्या है गुण, ये सब किशोरावस्था। हम कोई भी अवस्था का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो उसमें पाए जाने वाले गुण या विशेषता के आधार पर, आयु के आधार पर। कि देखिए, किसी में 12 साल में गुण आ जाएगा, किसी में 14 साल में आ जाता है, किसी में 16 साल में भी नहीं आता है। इसीलिए कोई भी अवस्था का निर्धारण हम आयु के आधार पर करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि बच्चों के बारे में किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह पता चलता है कि बच्चों की विकास प्रणाली को विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बांटा जा सकता है। यानी बहुत सारा अध्ययन किया गया कि इतना से इतना वर्ष में एक गुण आता है तो ये शैशवावस्था होगा, इतना से इतना ये आता है तो ये बाल्यावस्था होगा। तो वही लिखा हुआ है कि बच्चों के बारे में किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह पता चलता है कि बच्चों की विकास प्रणाली को विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बांटा जा सकता है।
बच्चों का विकास गर्भधारण यानी जन्म पूर्व से शुरू होता है और मृत्यु चलता है। ये आपको पता है कि जो बच्चों का विकास होता है क्या होता है, गर्भधारण यानी जन्म पूर्व से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ये भी लिखा है कि हम ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न अवस्था में विकास का गति भी अलग अलग होता है। देखिए सबसे ज़्यादा स्पीड से आपका गर्भावस्था में होगा, फिर किशोरावस्था शैशवावस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में विकास धीरा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में स्पीड पकड़ता है, समझे। वही लिखा है कि हम ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न अवस्था में विकास की गति भी अलग अलग होता है, किसी में तीव्र गति से तो किसी में मंद गति से। अब देखते हैं विकास की अवस्था। व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के संबंध में विद्यमान एक मत नहीं। देखिए कोई शैशवावस्था को जन्म से 2 साल बताया, कोई 6 साल बताया है, समझे, एकमत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने विकास की विभिन्न अवस्था के संबंध में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। विकास की विभिन्न अवस्था के वर्गीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान के विचार इस प्रकार है। पहला रॉस के अनुसार, रॉस ने विकास को 4 अवस्थाएँ बताया, जो निम्न है, शैशवावस्था जन्म से 2 साल, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, उत्तर या मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 12-18 से ऊपर। दूसरा है सेले के अनुसार कि निम्न अवस्था में क्या है, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष। भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक या 280 दिन, समझे, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवावस्था 18 से 25 साल, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 55 वर्ष से ऊपर। ऐसे भी वृद्धा पेंशन 55 साल के बाद ही मिलता है। अगला है हरलॉक के अनुसार कि गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक का काल, नवजात अवस्था जन्म से 14 दिन, शैशवावस्था 14 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष, समझे। तो ये आपका भिन्न भिन्न अवस्था है। अब आपको हम पढ़ाएंगे शैशवावस्था क्या होता है, उसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, समझे, सामाजिक विकास, ये सब चीज़ बताएंगे, समझे। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, समझे। थैंक यू।